अस्सलामु अलैकुम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, तो जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आज लेकर आए हैं गरम मसाले की रेसिपी। बहुत ही इजी बन जाता है और बहुत ही जल्दी बनेगा। ये देखिए, गरम मसाला लिए, तेज़पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, जायफल, जावित्री और ज़ीरा, और इलायची लिए हरी वाली, और इसको अच्छे से भून लेना है। बस 2 मिनट के लिए भूनना है। सबको एक साथ डाल के भून लीजिए। बस हल्का गर्म हो जाए, ज़्यादा ना भूनिएगा, ज़्यादा भूनेंगे जल जाएगा, तो गरम मसाले में से महक आएगी, अच्छी खुशबू नहीं आएगी। तो बस इसको अच्छे से थोड़ा गर्म कर लेना है। तो वह सब गर्म हो जाए, एक साथ इसको ज़रूर बना के एक बार रख लीजिए। लंबे टाइम तक गरम मसाला चलता है। ये सब डाल चुके हैं हम, फिर चूल्हा ऑन कर देंगे, फिर बस इसको गर्म के लिए रख देंगे। 1 मिनट, 1 या 2 मिनट लगेगा गरम होने में। इसको इसको चलाते ही रहना है लगातार, क्योंकि एक साथ पड़ा रहेगा तो जल जाएगा। कुछ होगा गरम, कुछ नहीं होगा, तो सबको एक साथ चलाते रहना है। ये हो चुका, उतार लिए, ठंडा हो गया। फिर सारा जार में डाल के इसको एकदम पाउडर बना देंगे, एकदम बारीक पाउडर पीसेंगे। सब एक साथ डाल दीजिएगा और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है तुम गरम मसाले की। ये देखिए, बस एकदम बारीक पाउडर रेडी हो चुका है। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल एकदम बारीक, मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छा। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू है, इसको ज़रूर ट्राई करिए। बस इसको हम निकाल लेंगे डिब्बे में, अच्छे तरीके से पूरा निकाल लेंगे। ये देखिए, अच्छे तरीके से इसको पूरा निकाल लेंगे। इसके कैप में भी लगा, उसमें से भी निकाल लेंगे, और ठंडा होने के बाद ही हम इसका कवर लगाएंगे। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है, और इसको ज़रूर ट्राई करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ।